गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स बच्चे, हम चैप्टर 8 कर रहे हैं, डिवीज़न। और इसमें हमने अब तक नॉर्मल किया था, ठीक है, नॉर्मल डिवीज़न वगैरह की थी। ओके, हमें पता है ना क्वेश्चन क्या होता है, रिमाइंडर क्या होता है, और डिवाइजर क्या होता है, और डिविडेंड क्या होता है। ओके, ठीक है। अब इसमें देख लो क्या है। टेक सेवन थिंग्स, फॉर एग्जाम्पल केक्स। हम सेवन केक्स लेते हैं, ठीक है, और उसको हमें डिवाइड करना है कितने में। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट, ठीक है, तो इसमें अलग है बेटा, तो मैं अपने हिसाब से बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल सेवन केक्स हैं, ठीक है, उसको हमें थ्री उसमें डिवाइड करना है, ठीक है। तो इसमें एग्जैक्टली तो डिवाइड नहीं हो सकता, जैसे इसमें देखो ये सेवन केक्स है, 1 2 3 4 5 6 7, तो हमें थ्री जगह डिवाइड करना है। तो हमने क्या किया, पहले एक ली, ठीक है, एक उठाई यहाँ से, फिर दूसरी उठाई, फिर थी, फिर हमारे पास अभी कितनी रह गई है, चार। फिर हमने फिर थ्री प्लेट्स ली, फिर मैंने उसी प्लेट में हमने एक और डाली, एक और डाली, और बची क्या, एक, है ना, क्योंकि हर में कितनी आ गई, दो दो, 2 प्लस 2 प्लस 2 सिक्स, 6 प्लस 1 7, है ना, तो 1 रह गया। इसको हम क्या बोलेंगे, रिमाइंडर, 1 इज रिमाइंडर, ठीक है। और 3 से हमने 7 को डिवाइड करेंगे, 3 2 6, तो 7 में से 6 कहेंगे तो 1 आएगा रिमाइंडर। ओके, एग्जाम्पल, डिवाइड 25 स्वीट्स इक्वली अमंग 5 चिल्ड्रन। तो ये तो क्या कहते हैं, ये तो बहुत ईजी है ना, मतलब बहुत ईजी से हम डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम करते हैं 25 स्वीट्स लेते हैं, ठीक है, और कितनी जगह करते हैं, 8 बच्चों में, ठीक है ना। 25 को फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, 25 को हम 8 से डिवाइड करेंगे। ओके, सी 25, ठीक है, हमें पहले फर्स्ट वाला देखना है, फर्स्ट 8 से छोटा है ना 2, तो नहीं हो सकता। अभी हमें ये देखना है 8 के टेबल में 25 आता है, नहीं आता ना, बट 25 से नीचे कौन सा है नंबर जो आता है। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, है ना, 8 4 जा 32, तो 32 तो इससे बड़ा हुआ 25 से, तो हम नहीं करेंगे, तो हम 8 3 जा करेंगे, ठीक है, 8 3 जा 24। ओके, ठीक है, अब 5 में से 4 गए 1, ठीक है, 2 में से 2 गए 0, तो हमारे पास 1 क्या आया, रिमाइंडर, क्या है ये, रिमाइंडर, ठीक है। और 3 क्या है हमारा, क्वेश्चन, ठीक है, 3 क्या है, क्वेश्चन। ओके, इस टाइप से करना है बच्चा, ठीक है। हम एक्सरसाइज अभी 9 करते हैं। सी फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 9 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, 9 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, तो 2 को हम 9 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, 2 4 जाया 8, ओके, 2 4 जा 8, तो 9 में से 8 गया 1, ठीक है, ये हमारा क्या हुआ, रिमाइंडर, ठीक है, और ये 4 क्या हुआ, हमारा क्वेश्चन। ओके, ठीक है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, क्वेश्चन क्या हुआ हमारा, 4, और रिमाइंडर हमारा क्या हुआ, 1। ओके, नाउ सेकंड, बी क्या है, 23 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है, सी ठीक है। अब हमने देखने 23 के आसपास, क्योंकि एग्जैक्ट तो होता नहीं 5 से डिवाइड 23, है ना, तो हम देखेंगे 5 1 5 5 2 10, 5 3 15 5 4 20, है ना, 5 5 क्या होता है, 25, बट 25 क्या हो गया, 23 से बड़ा, तो हमें छोटे वाला लेंगे, तो 5 4 20। ओके, ठीक है, 3 आया 0, तो क्या हुआ, 3 हमारा क्या हुआ, रिमाइंडर, है ना, और 4 हमारा क्या हुआ, क्वेश्चन। ओके, है ना, तो हम इसमें क्या लिखेंगे, 4 क्या हुआ हमारा, क्वेश्चन, रिमाइंडर क्या हुआ हमारा, 3। ओके,
नाउ सी सी क्या है, 11 डिवाइडेड बाय 5, 11 डिवाइडेड बाय 5, ओके। तो 11 भी 5 से एग्जैक्ट डिवाइड नहीं होता है ना, तो हम क्या करेंगे, 5 2 10, ठीक है, तो हमारा 1 आया रिमाइंडर, ओके, और ये आया क्वेश्चन और ये आया रिमाइंडर, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, 2 क्वेश्चन और हमारा 1 आया रिमाइंडर सी, ठीक है। अब ये है 22 डिवाइडेड बाय 7, ठीक है, 22, 7 3 21, तो आया 3 हमारा क्या आया क्वेश्चन, रिमाइंडर क्या आया 1। तो हमारे बेटा ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुई, ठीक है, कंप्लीट द डिविजन्स। देखो इसमें भी क्या है, 19 को हमें 2 से डिवाइड करना है, ठीक है, तो यहाँ लिखा 2 9 18, तो माइनस क्या है रिमाइंडर 1, और क्वेश्चन क्या है इसमें 9 और रिमाइंडर क्या है 1, ओके। अभी 5 हम क्या करना है, 36 को 5 से डिवाइड करना है, तो 5 7 35, ठीक है, 6 में से 5 गया 1, ओके, 3 में से 3 गया 0, तो रिमाइंडर आया 1, ठीक है। तो इसमें क्या लिखेंगे, क्वेश्चन क्या आया 7, दिस इज द क्वेश्चन ना, और रिमाइंडर क्या है 1, अभी क्या करना है, 29 को 4 से डिवाइड करना है, 4 7 28, नाइन में से 8 गए 1, 2 में से 2 गया 0, ओके, तो क्वेश्चन 7 आया और रिमाइंडर क्या है 1, ओके। नाउ सी 34 को 6 से डिवाइड करना है, ठीक है, तो हम देखेंगे 6 के आसपास क्या आता है, 34 के आसपास 6 5 30, ठीक है, 4, ठीक है, तो क्वेश्चन क्या आया 5 और रिमाइंडर क्या आया 4, ओके। नाउ सी अभी हमें 44 को करना है, ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो हमें देखना है इसके आसपास कौन सा आता है, ठीक है, 9 1 9 9 2 8 9 3 27 9 4 36, ठीक है, 9 5 से क्या होता है 45, तो 45 तो इससे बड़ा हो गया, तो हम क्या लेंगे छोटे वाला, है ना, तो इसमें हम क्या लेंगे 9 4 36, ठीक है, 14 में से 6 गया 8, ओके, अब यहाँ पे हमने एक कैरी किया था तो 3 बच गया, 3 में से 3 गया 0, ओके, ठीक है ना, तो क्वेश्चन क्या आया 4 और रिमाइंडर क्या आया 8, ओके। अब इस वाले को देखो, 37 को 10 से करना है, 10 3 30, तो क्या आया 7 आया, 3 में से 3 गया, रिमाइंडर क्या आया हमारा 7, क्वेश्चन आया 3, है ना। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 36 को 6 से, तो अब ये तो सीधा होता है, 6 6 36, है ना, 0, क्वेश्चन क्या आया 6, रिमाइंडर आया 0, है ना। अब 8 को हमें 69 से करना है, ठीक है, 8 8 64, ठीक है, 9 में से 4 गए 5, ठीक है, तो हमारा रिमाइंडर क्या आया 5, क्वेश्चन 8 रिमाइंडर 5, ठीक है। अभी हमें करना है 9 को 75 से, ठीक है, 9 8 72, ओके, 5 में से 2 गए 3, रिमाइंडर आया 3, क्वेश्चन आया 8, ओके। नाउ एक्सरसाइज 11, इसमें भी सेम ऐसे ही करना है, ओके, 3 को 28 से, ठीक है, अभी हमें 3 के टेबल में 28 आता नहीं है ना,
तो उसके आसपास का देखेंगे, 3 9 27, ठीक है? ठीक है, तो क्वेश्चन क्या आया, 9, रिमाइंडर आया 1, ठीक है। 5 को 42 से, 5 8 40, ओके, तो 2 आया, 4 में से 4 गए 0, तो क्वेश्चन क्या आया, 8, रिमाइंडर आया 2, ओके। नाउ 7 को 52 से, ठीक है, तो हमें देखना है अभी, और 52 के आसपास क्या आता है, 7 7 49, है ना, यही आता है ना, तो 12 में से 9 गए कितना आएगा, 3, हमने एक कैरी किया था, तो यहाँ पे 4, 4 में से 4 गया 0, हमारा क्वेश्चन क्या है, 7, और रिमाइंडर आया 3, है ना। तो नेक्स्ट देखो, 4 को 35 से डिवाइड करना है, ठीक है, तो 4 8 32, ठीक है, 5 में से 2 गए 3, 3 में से 3 गए 0, ओके, क्वेश्चन आया 8, रिमाइंडर आया 3, ओके। अब 5 को 47 से करना है, ठीक है, तो क्या करेंगे हम, 5 9 45, ओके, 7 में से 5 गए 2, 4 में से 4 गए 0, ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन आया 9 और रिमाइंडर आया 2, ठीक है। अब ये वाला देखो, 45 को 8 से करना है, ठीक है, 8 5 40, ओके, 5, इसमें क्वेश्चन भी 5 है और रिमाइंडर भी 5 है ना। अब 5 को हमें 34 से करना है, 5 6 30, ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन आया 6, रिमाइंडर आया 4, ओके। अब 7 को हमें किससे करना है, 63 से, तो 7 9 63, 6 में से 3 गए 3 और ये 0, ठीक है, तो क्वेश्चन आया हमारा 9, रिमाइंडर आया 3, ओके। अब 9 को 67 से करना है, 9 7 63, तो 7 में से 3 गए 4, 6 में से 6 गए 0, ठीक है, तो क्वेश्चन आया 7, रिमाइंडर आया 4। बच्चे हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती हैं और एक एक्सरसाइज रह गई है, तो वो आपको मैं नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगी, फिर हमारा चैप्टर कंप्लीट, ओके। अगर इसमें कुछ समझ नहीं आया तो मुझसे पूछना बच्चे। थैंक यू सो मच।